हेलो फ्रेंड्स, आज अपन वापस नया टॉपिक लेके आएंगे, उसके बारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले अपन पेरिनियम कंप्लीट पढ़ लिया, तो उसके बाद पेरिनियम छोटा सी पार्ट था, तो वो उसके बाद अपन देखेंगे आज जो इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, कौन सा देखेंगे? इंटरनल ऑर्गन ऑफ जेनिटल ऑफ ए फीमेल, मतलब फीमेल का जो इंटरनल ऑर्गन होता है। बाहर के अपन पढ़ लिए थे मॉन्स, प्यूबिस, क्लिटोरिस सारे, अब अपन चलेंगे अंदर की तरफ, जो अंदर में कौन कौन से ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं, जो उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से हैं। एक तो है वेजाइना अपने इसके अंदर, दूसरा है यूट्रस, थर्ड नंबर आता है फेलोपियन ट्यूब, एंड फोर्थ नंबर आता है ओवरीज। इन चारों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, चारों के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती है, इनका स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अपन देखते हैं कि द वेजाइना, वेजाइना क्या होता है। फर्स्ट नंबर पर लेते हैं द वेजाइना। ठीक है, अब वेजाइना क्या है? वेजाइना आल्सो कॉल्ड ए बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसको एक बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। कब? जब बच्चा होता है, जब बर्थ कैनाल से निकलता है, चाइल्ड का जब बर्थ होता है, ठीक है, उस टाइम अपन इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल क्योंकि उसी रास्ते से, उसी कैनाल से बच्चा बाहर निकलता है, इसलिए वेजाइना को क्या बोला जाता है? बर्थ कैनाल बोला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग कब? चाइल्ड बर्थ के दौरान। अब उसके बाद देखते हैं वेजाइना के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है। फर्स्ट नंबर आता है वेजाइना इज ए फाइब्रो मस्क्यूलर ट्यूब, मतलब वेजाइना क्या होता है? फाइब्रस की बनी होती है और मस्क्यूलर फाइब्रस और मस्क्यूलर की बनी हुई एक ट्यूब होती है, जिससे क्या होता है, बच्चा निकलता है, बच्चा पास होता है, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड कैनाल या बर्थ कैनाल। और ये किससे बनी होती है? फाइब्रस और मस्क्यूलर, जो क्या होती है, इलास्टिक रूप में होती है, स्मूथ होती है, स्मूथ और इलास्टिक होती है, क्या होती है, लचीली होती है और स्मूथ होती है। ठीक है, नरम और लचीली होती है। ठीक है, तो किसकी बनी होती है? फाइब्रस और मस्कुलर पार्ट होता है उसकी ट्यूब बनी होती है, एक गोल ट्यूब बनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये कब कितनी होती है, कितनी लंबी होती है? ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। इसकी जो लंबाई है वो सर्विक्स, जो अपना सर्विक्स है, वहाँ से जो वल्वा है, ठीक है, उसके बीच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कौन होता है? वेजाइना। उसके बाद अपन देखते हैं डायमीटर ऑफ कैनाल, भाई लंबाई देख ली अपन ने। ठीक है, अब इसके बाद है डायमीटर, जैसे ये कैनाल है कोई, ये पाइप मान लो एक तरीके से, कैनाल को अपन ट्यूब मान लो। ठीक है, ये ट्यूब हो गई। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये हो गया वल्वा, ठीक है, वल्वा हो गया, ये हो गया सर्विक्स, और ऊपर का पार्ट यूट्रस का आता है। ठीक है, अब देखो जो ये कैनाल है, ये वाली जो कैनाल, ठीक है, इस कैनाल की लंबाई कितनी मान ली अपन ने? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी क्या बोल रहा है ये कि डायमीटर मतलब कि गोल, मतलब उसकी चौड़ाई, अंदर से वो चौड़ी कितनी है, जैसे कि ये वाली, ये अंदर से चौड़ी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, मतलब अंदर का जो भाग है। ठीक है, जो अंदर को कोई पाइप होता है, पाइप के जो अंदर का जो भाग होता है उसकी जो डायमीटर होता है गोल वाला, ठीक है, वो कितना है? 2.5, क्योंकि अपन ने इसको, ये ट्यूब की तरह होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मूथ होती है, इलास्टिक होती है, फाइबर मस्कुलर लेयर से, फाइबरस मस्कुलर ट्यूब होती है जो इस फाइबरस और मसल से बनी होती है। ठीक है, और इसकी डायमीटर कितना होता है? 2.5, क्योंकि इसका गोल डायमीटर कितना होता है, इसकी चौड़ाई, अंदर से चौड़ाई, अंदर का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना? 2.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये अपन इसके आगे पढ़ेंगे कि एक्सटेंड का हो गया कि कहाँ से कहाँ तक होती है ये। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? यूट्रस होता है, यूट्रस के पास, उस यूट्रस से जस्ट पहले वाला पार्ट आता है सर्विक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद आता है यूट्रस, यूट्रस का जो पहला वाला पार्ट होता है सर्विक्स, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है, इस सर्विक्स से लेके टू वल्वा, जो बाहर का जो पार्ट है अपना वल्वा का, जो वेजाइना की जो एंट्री होती है उस पार्ट को बोलते हैं वल्वा। तो यूट्रस में सर्विक्स से लेके जो वल्वा का पार्ट होता है, वहाँ से लेके वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है, इसकी लंबाई वहाँ से वहाँ तक ये, मतलब इसके रहता है कि यहाँ से यहाँ तक ये पाया जाता है। कौन? वेजाइना। उसके बाद इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन अपन देख लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन है, वेजाइना हैज़ नो ग्लैंड्स, मतलब वेजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं पाए जाते, क्योंकि बहुत सारे जने बोलते हैं कि ये
भाई इसके अंदर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस मीन्स कि उसके अंदर तरल जो फ्लूइड होता है वो आता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होंगे, कुछ सीक्रेशन होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर गेट मॉइस्चर बाय प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द सर्विक्स। ये क्या होती है, मॉइस्चर होती है इसमें हल्की बहुत, जो म्यूकस आता है, जो म्यूकस आता है, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है म्यूकस, जब अपन बोल, क्योंकि बिना ग्लैंड है नहीं तो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है फिर भी, तो ये म्यूकस जो आता है वो जो नमी करता है, मॉइस्चर करता है उस एरिया को, उस ट्यूब को, ठीक है। तो ये मॉइस्चर करने के बाद ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कौन, ये म्यूकस होता है, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, सर्विक्स से। सर्विक्स कहाँ पे, जस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट, वहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और ग्रेविटी मान लो, या अपन मान लो ये रास्ता मान लो, तो इस रास्ते से होके आता है, तो इसलिए ये कौन होता है, वेजाइना, ये मॉइस्चर हो जाती है। उसके बाद द वेजाइना फ्लूड, जो वेजाइना का जो फ्लूड होता है, जो म्यूकस होता है, ये वाला म्यूकस होता है, ये क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है, एसिडिक फॉर्म में। एक होता है एसिडिक, एक होता है एल्कलाइन। एसिडिक मतलब इसकी पीएच होती है वो एसिडिक होती है, और इसकी पीएच कितनी है, 4.5, ठीक है, इसकी पीएच कितनी, 4.5 होती है। और ये एसिडिक क्यों होता है, इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, अपने यहाँ पे लिखा है कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से ये एसिडिक होती है, ठीक है। अब इस लैक्टिक एसिड की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, या फंगस, ठीक है, या प्रोटोजोआ, उनको क्या ये इन्वायरमेंट लैक्टिक एसिड का, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, फेवरेबल रहता है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये लैक्टिक एसिड की वजह से, मतलब उनका जो रहने का जो इन्वायरमेंट है, जो फंगस प्रोटोजोआ, कुछ एक प्रोटोजोआ या फंगस या जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको लैक्टिक एसिड, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा लगता है, फेवरेबल होता है, तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपन। पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि जनरल इन्फॉर्मेशन वेजाइना की, कि कितनी लंबाई होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। देन उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना मतलब जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। नॉर्मली भाषा में ज़्यादा सोचने की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से समझने वाली बात है और आराम से समझ में आ जाएगी। तब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर का अर्थ हो गया इसकी जो बनावट, इसका जो बनावट है, जो तरीका है, स्ट्रक्चर वो क्या होती है। इसके अंदर अपन देखते हैं जो पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर अर्थ हो गया पीछे की वॉल जो होती है, वॉल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब पोस्टीरियर का जो स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर की जो लेंथ होती है पोस्टीरियर की तरफ, ठीक है, वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। जो पोस्टीरियर वॉल होती है, पीछे की जो दीवार होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर की। उसके बाद एंटीरियर वॉल इज 7.5, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ें क्या होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जब अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर अपन को ये 10 सेंटीमीटर 7.5 जैसे दे दिया कि पोस्टीरियर के अंदर पोस्टीरियर जो वॉल होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, ठीक है, उसका डायमीटर या उसकी लॉन्गेस्ट लंबाई कितनी होती है, जैसे मान दे दिया 7.5, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या होगा, 10। अब ये छोटी छोटी चीज़ें, ये क्या होती है कि अपन को, मतलब इसमें गलती ज़्यादा होती है, इन जो न्यूमेरिकल वाले जो होते हैं 10 सेंटीमीटर 7.5, इनमें गलती ज़्यादा होती है। तो पोस्टीरियर वॉल कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर की। एंटीरियर वॉल कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या है, द वेजाइना हैज़ मेनली स्मॉल फॉल्ट्स। जो वेजाइना होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्मॉल फॉल्ट पाए जाते हैं, लाइक ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे फॉल्ट पाए जाते हैं, उससे बना होता है ये अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसके अंदर फॉल्ट्स पाए जाते हैं। फॉल्ट मतलब जैसे अपन कपड़ा समेटते हैं वैसे फॉल्ट पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रग या रगी, ठीक है, इसको बोलते हैं रग। जो वो फॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये हो गया, अपन ने जहाँ पे यहाँ पे बना लिया, जैसे ये वेजाइना, ठीक है, ये वल्वा और ये सर्विक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि हल्के हल्के फोल्ड पाए जाते हैं, छोटे छोटे फॉल्ट्स पाए जाते हैं, और ये फोल्ड काम क्या करते हैं कि जब बर्थ, ये फोल्ड काम, ये रग जिसको बोलते हैं वो रगी, ठीक है, रग काम क्या करते हैं कि जो ये फोल्ड होते हैं, स्मॉल स्मॉल फोल्ड, ये बहुत आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, बर्थ इससे वेजाइना से निकलता है, जिससे बर्थ कैनाल बोलते हैं अपन, ठीक है, जब बच्चा इससे निकलता है, पास आउट होता है, तो ये फोल्ड क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं,
ठीक है, स्ट्रेचेबल मतलब ये अगर बच्चा निकलेगा जरूरत पड़ेगी तो ये खुल जाएंगे, जिससे क्या होगा ये वेजाइना होती है, ठीक है, तो ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी जिससे बच्चा आराम से निकल जाए। अगर ये नहीं होते तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, तो बच्चा आसानी से निकल, पेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या रग ये फोल्ड होते हैं, ये खुल जाते हैं। उसके बाद लेयर कौन कौन सी, इसके अंदर क्या कौन सी लेयर होती है, कौन से टिश्यू होते हैं, ठीक है, इसके अंदर होती है लेयर, लेयर के अंदर जो ये वेजाइना होती है, ठीक है, जैसे ये वेजाइना है अपनी वाली, ठीक है, ये वेजाइना क्या होती है, इसकी जो लाइनिंग है अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ वेजाइना मेड अप ऑफ स्क्विमस एपिथीलियम, ठीक है, सॉरी अपन ने ये ऊपर वाला पार्ट, द अपर पार्ट ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वॉल्ट, ठीक है, वॉल्ट का अर्थ क्या हो गया, वेयर द सर्विक्स प्रेजेंट इट, मतलब जो अपर पार्ट होता है वेजाइना का, लाइक जैसे अपन देख लो ये वेजाइना है, ठीक है, अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट हो गया सर्विक्स, नीचे वाला पार्ट हो गया वल्वा, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट, जो यहाँ का जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वॉल्ट। वॉल्ट का अर्थ क्या हो गया कि अपन वॉल्ट बोलते हैं जैसे कोई सेफ, जैसे अपन लॉक लगाए सेफ खाना, ठीक है, ये वॉल्ट की तरफ आई, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक मतलब थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर यहाँ से मतलब डिसाइड किया जाता है कि बच्चा अच्छे से निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ होता है, सर्विक्स प्रेजेंटेड, जो सर्विक्स के पास में होता है, सर्विक्स जो होता है ऊपर वाला पार्ट, उसके पास में जो वॉल्ट होता है, ठीक है, जो कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लाइनिंग अपन पढ़ रहे थे, लाइनिंग क्या होती है, लाइनिंग ऑफ वेजाइना मेड अप ऑफ स्क्यूमस एपिथीलियम, लाइनिंग क्या होती है, जो वेजाइना होता है, ठीक है, लाइक जैसे देखो ये वेजाइना है, इसके अंदर वाली ये लाइनिंग है, ठीक है, ये वाली लाइनिंग, ठीक है, ये ऊपर आ गया सर्विक्स, ये आ गया वल्वा, ये जो लाइनिंग है, ठीक है, ये जो लाइनिंग है अंदर वाली, ठीक है, ये लाइनिंग किससे बनी होती है, स्क्वेमस एपिथीलियम से, स्क्वेमस एपिथीलियम, एपिथीलियल का एक पार्ट होता है, एपिथीलियल टिश्यू का एक पार्ट होता है, जो स्क्वेमस एपिथीलियम से ये बनी होती है, ठीक है। अब लाइनिंग कौन सी, आगे आगे वाली, जैसे ये आगे वाली लाइनिंग है, ये बनी होती है किससे, स्क्वेमस एपिथीलियम। अब जब इस लाइनिंग जैसे ये लाइनिंग बनी हुई है, अब इसके नीचे और इसके जस्ट नीचे की तरफ एक और लाइनिंग होती है, जो बिलो दिस लेयर लेज ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे एक और लाइनिंग होती है, जो क्या होती है, वेसल्स, जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है उनको कंटेन करती है, उनको रखती है, ठीक है, जिसको जो क्या होती है, लाइज रहती है, उसके जस्ट नीचे रहती है, इसके किसके, स्क्विमस एपिथीलियम के नीचे रहती है, बिलो दिस लेयर लेज ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिविटी, जो उसका नाम क्या है, वैस्कुलर, जो वेसल्स को अपने पास में रखती है, और किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, संयोजी ऊतक जो बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है, ठीक है। अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है, रिलेशन के बारे में, किससे कहाँ जुड़ती है ये, इसके पास में कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, पहले अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चर के बारे में, देना आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपन ने मैंने आपको बोला था कि अपन पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन मतलब क्या हो गया है कि जब अपन संबंध बनाते हैं, रिलेशन मतलब जो वेजाइना है उसके आगे पीछे दाएं बाएं साइड में ऊपर नीचे, कि ये किससे रिलेटेड रहता है, उसके आसपास में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये किससे जुड़ा रहता है, किससे रिलेशन बनाया रहता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एंटीरियर की तरफ कौन है, एंटीरियर मतलब ब्लैडर, मतलब इसके आगे की तरफ, एंटीरियर मतलब आगे, अपन बोलते हैं ना अपने घर के आगे ये चीज़ है, तो इसके आगे की तरफ क्या, जैसे ये हो गया वेजाइना, ये है वेजाइना, ठीक है, वेजाइना, उसके आगे की तरफ कौन है, ब्लैडर है, कहाँ पे गया, ये ब्लैडर हो गया, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये रहा, यूरेथ्रा हो गया, जो यूरेथ्रा क्या करता है कि यूरिन पास आउट के काम आता है, जो कैनाल रहती है उसको बोलते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर की तरफ पाउच ऑफ डेवलप, पोस्टीरियर का अर्थ हो गया पीछे की तरफ, कि ये पीछे की तरफ किससे रिलेट रहता है, पाउच ऑफ डेवलप्स, इस पाउच ऑफ डेवलप्स को अपन, ये कंप्लीट रिलेशन चारों पढ़ाने, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि पाउच ऑफ डेवलप्स क्या है, इसके बारे में, इसको पाउच क्यों बोला है, ठीक है। पाउच ऑफ डगलस से होता है, जो पाउच ऑफ डगलस होता है वो रेक्टम एंड पेनियल बॉडी में बनता है, रेक्टम और पेनियल बॉडी, जो पेनियल बॉडी मतलब जो ऑर्गन होते हैं उनके बीच में एक पेनियल बॉडी के रूप में पाउच ऑफ डगलस बनता है, एक पाउच बनता है, उसको अपन आगे, मैं आपको आराम से आगे समझाऊंगा पाउच ऑफ डगलस क्या होता है। उसके बाद लेटरल की तरफ, ठीक है, लेटरल की तरफ क्या होता है कि द अपर टू थर्ड पार्ट आर द पेल्विक फेशिया, लेटरल का अर्थ क्या हो गया कि जैसे अपन ने पढ़ लिया है कि पीछे की तरफ क्या है और आगे की तरफ क्या है, ठीक है। अब पढ़ेंगे लेटरल, साइड में क्या है, दाएं बाएं, ठीक है, साइड में क्या है, अपर टू थर्ड पार्ट, जो अपर का जो टू थर्ड पार्ट होता है, जो अपर का 2/3 पार्ट, ठीक है, वो किससे जुड़ा, इसके पास में कौन रहता है, पेल्विक फेशिया, पेल्विक के अंदर जो फेशिया क्या होती है, फेशिया होती है एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं लेयर,
ठीक है, जो लेयर होती है उससे कनेक्टेड रहता है, उससे रिलेट रहता है लेटरल की तरफ पेल्विक फेशिया से, जो पेल्विस उसके फेशिया से रिलेटेड रहता है। उसके बाद सुपीरियर, सुपीरियर अपन बोलते हैं कि कोई भी बंदा सुपीरियर हो रहा है, सुपीरियर का मतलब हो गया ऊपर, ठीक है, सबसे ज़्यादा बढ़ना, तो सुपीरियर का क्या हो गया, अबव लाइज द यूट्रस, सॉरी सुपीरियर अबव लाइज द यूट्रस। जैसे कि ये होगी वेजाइनल, वेजाइना कैनाल या बर्थ कैनाल, इसके सुपीरियर मतलब अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपरी की तरफ ये कौन सा एरिया आ गया, ये हो गया यूट्रस, मतलब अबाउट लाइज द, मतलब कहाँ तक लाइज रहता है, कहाँ तक फैला रहता है, ये यूट्रस तक फैला रहता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था कि पाउच ऑफ डगलस क्या होता है। पाउच ऑफ डगलस क्या है कि एक तरीके का पाउच बनता है दो, मतलब जैसे ऑर्गन जो पेरिनियल बॉडी, मतलब किसी दो ऑर्गन के बीच में जो एक पाउच बन जाता है उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस, जो या रेक्टम और पेरिनियल बॉडी, जो पेरिनियल बॉडी है उसमें और रेक्टम। अब देखिए ये डायग्राम देखिए आप अच्छे से, इसमें क्या होता है कि पाउच ऑफ डगलस ये समझ लीजिए, द एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम बिटवीन द रेक्टम एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। ये कहाँ आ रहा है, पोस्टीरियर वॉल में आ रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल में आ रहा है। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ होता है, रेक्टम के अंदर होता है और यूट्रस के अंदर, रेक्टम और यूट्रस के बीच में होता है। एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का, पेरिटोनियम एक ऐसी लेयर होती है जो अपने इंटरनल ऑर्गन को कवर करके रखती है, ठीक है, जैसे ये स्टमक हो गया, ठीक है, ये पैनक्रिया, इसके अंदर उसको, इनको कवर करने के लिए एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। जब ये लेयर इनको कवर करती है, ये वाली जो लाल कलर की लेयर बता रहा हूँ, ये जो इनको कवर करती है, ये क्या करती है, जैसे यूट्रस को कवर करते हुए जब ये नीचे जाती है, ठीक है, फिर ये एनएस वाले ऊपर वाले जो एनएस का पार्ट है इसको कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक खालिस्तान बीच में एक जगह रह जाती है खाली, ये बीच में खालिस्तान की जगह रह जाती है, खाली जगह रह जाती है, ये खाली जगह होती है, ये एक पाउच के रूप में होती है, पाउच होता है अपना, ठीक है, पाउच के रूप में फॉर्म होती है। इसी को नाम दिया है रेक्टो यूटेराइन पाउच, रेक्टो क्योंकि रेक्टम और यूट्रस के बीच में बन रहा है, ठीक है, इसी को नाम दिया रेक्टो यूटेराइन, रेक्टम और यूटेराइन के बीच में जो पाउच बन रहा है उसको रेक्टो यूटेराइन पाउच, और इसी को नाम दिया है पाउच ऑफ डगलस। समझ गया आप, क्या नाम दिया है, पाउच ऑफ डगलस, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, रेक्टो यूटेराइन पाउच। ये जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस उसके, और ये जो अपने क्या बोलते हैं उसको, रेक्टम, ये रेक्टम हो गया, ये यूट्रस हो गया, इनके बीच में एक पाउच बनता है जिसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस, इसका नाम दिया ये रेक्टो यूटेराइन पाउच। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी ब्लड सप्लाई कौन करता है, इसकी नर्व सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज, देन इसके पर्पस, भाई वेजाइना क्यों होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट तो इतना इतना लंबा 10 सेंटीमीटर की जो लंबाई वाला एक ट्यूब दिया है, वो क्यों दिया है भगवान ने, कुछ तो फायदा होगा उसका, तो अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके पर्पस क्या क्या है। हेलो फ्रेंड्स, अपन पहले पढ़ रहे, अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो रिलेशंस है उनके बारे में, अब मैं इसके आगे अपन पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या होती है, इसके अंदर कौन सी जो आर्टरी है, जो वेंस जो ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ब्लड सप्लाई ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, ठीक है, उसके अंदर ये आर्टरी, इलियक आर्टरी होती है, वो टू टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल वाली इलियक आर्टरी है उसकी जो ब्रांच होती है वो इसको ब्लड सप्लाई करती है, किसको, वेजाइना को, देन एंड इंक्लूड द वेजाइनल आर्टरी, और उसके बाद जो वेजाइना के अंदर वेजाइनल आर्टरी होती है वो भी इसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। अब वेजाइनल आर्टरी किस चीज़ की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ यूटर, जो यूट्रस की जो आर्टरी होती है, ठीक है, उसकी ब्रांच होती है वेजाइनल आर्टरी, जो वेजाइना को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, और एक कौन करती है, इंटरनल इलियक आर्टरी, जो लोअर पार्ट होता है पेरिनियम का एरिया जो होता है वहाँ का जो इलियक आर्टरी होती है इंटरनल एरिया, वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। देन उसके बाद अपन देखते हैं कि नर्व सप्लाई कौन करवाता है, नर्व सप्लाई क्या होती है, ड्राइव्ड फ्रॉम द पेल्विक फ्लेक्सस, जो पेल्विक, जो पेल्विक जो अपना फ्लेक्सस होता है, ठीक है, उससे जो नर्व होती है वो ड्राइव होती है, वो निकलती है, ठीक है, वो हटती है, वहाँ से निकल के फिर अपन को नर्व सप्लाई होती है, किससे होती है, पेल्विक फ्लेक्सस से, जो क्या होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व फ्रॉम द पेल्विक फ्लेक्सस सप्लाई द वेजाइना, जो वेजाइना की जो पेल्विक फ्लेक्सस की जो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्व होती है, जो कहाँ से निकलती है, पेल्विक फ्लेक्सस से निकलती है, जो क्या सप्लाई, किसको नर्व सप्लाई करती है, वेजाइना को, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, उसके बाद एक और नर्व सप्लाई करती है, कौन करती है, पुडेंडल, जो अपन ने पहले पढ़ा था पेरिनियम के अंदर पुडेंडल नर्व होती है, वो नर्व
नर्व सप्लाई करती है, तो लोअर पार्ट में कौन करेगा? लोअर पार्ट किसका आता है? जैसे कि वल्वा का हो गया, ठीक है, और उसके बाद में नीचे पेरिनियम पार्ट हो गया, ठीक है। तो पुडेंडल नर्व लोअर पार्ट में ब्लड जो नर्व सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या हो गया, जो ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो प्रोवाइड होते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या हो गया, इंग्विनल इंटरनल इलियक एंड सेक्रल जो ग्लैंड्स होती है वो इसको लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाती है, किसको? वेजाइना को, ठीक है। अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इसके पर्पस क्या क्या है। भाई वेजाइना का जो ये पार्ट है, ये वाला जो वेजाइना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है अपन को, तो इसको 5 भी तो दे सकते हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसका पर्पस क्या है अपन का, भाई इसको ये क्यों दिया है, इसका कारण क्या है, इसका मतलब फायदे क्या है, ठीक है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके पर्पस ऑफ द वेजाइना। हेलो फ्रेंड्स, अपन पहले पढ़ रहे थे कि जो ब्लड सप्लाई है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, देन स्ट्रक्चर, देन रिलेशंस, देन इसकी जो नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो। उसके बाद अपन आते हैं लास्ट में जो अपना टॉपिक बचता है, वो बचता है पर्पस ऑफ वेजाइना। क्या बचता है? पर्पस ऑफ वेजाइना। अब पर्पस क्या क्या होता है, पर्पस मतलब क्या हो गया कि मतलब जो वेजाइना है इसका उपयोग, इसका फ़ायदे क्या क्या है अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया है तो इसको 5 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं, भगवान ने इसी सोच समझ से दिया है कि आगे जाके काम आएगा, ठीक है। बहुत जने तो आगे कुछ अलग ही सोच रहे होंगे कि फ़ायदे तो बहुत हैं इसके, ठीक है। तो पहला पर्पस देखिए, रिसीव ए मेल इरेक्ट पेनिस एंड सीमन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अब जिसने जो सोचा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वही चीज़ आ गई है। पहला फ़ायदा यही है कि रिसीव ए मेल इरेक्ट पेनिस, जो मेल का जो इरेक्ट पेनिस होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रिसीव करने के लिए, एंड सीमन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान जो सीमन होता है उसको, प्लस पेनिस जो इरेक्ट पेनिस होता है उसको, क्योंकि बिना इरेक्ट पेनिस रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है, तो इरेक्ट करता है, इरेक्टाइल जो पेनिस होता है उसको और सीमन को ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान रिसीव करता है। कौन करता है? वेजाइना, ठीक है। कहाँ से निकलता है? वेजाइना से ही जाता है ये इरेक्टाइल पेनिस। देन सेकंड वे, पाथवे थ्रू ए वुमन बॉडी फॉर द बेबी टू अटैक ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये एक पाथवे बनाता है, एक रास्ता बनाता है थ्रू ए वुमन बॉडी, एक जो वुमन होती है, महिला होती है, उसकी बॉडी के अंदर, फॉर बेबी टू टैक ड्यूरिंग, जब बेबी का चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके अंदर एक पाथवे, एक रास्ता बनाती है, उस बच्चे को निकलने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर वाले में मज़ा बहुत आ रहा होगा तुम आप सबको, सेकंड नंबर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर आता है, प्रोवाइड द रूट फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्रॉम द यूट्रस टू लीव द बॉडी। ये क्या करवाता है? रूट प्रोवाइड करता है, जैसे पहले जो चाइल्ड को बर्थ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान रूट प्रोवाइड करवाया था, तो सेकंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर, प्रोवाइड द रूट फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर जो ब्लड निकलता है, ठीक है, उस ब्लड को रूट प्रोवाइड करवाता है, रास्ता देता है बाहर निकलने के लिए, लीव द बॉडी, अपनी बॉडी से बाहर निकलने के लिए, जो कहाँ से आता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, यूट्रस से आता है, उसको बाहर निकालने के लिए जो रास्ता दिया जाता है, वो रास्ता कौन देता है? वेजाइना। कौन देता है? जो मेंसेस होता है उसको रास्ता कौन देता है? वेजाइना, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर निकाला जाता है बॉडी से। उसके बाद मैं होल्ड फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या होता है कि जब इंटरकोर्स करता है तो जो सीमन होता है वो, उसके अंदर जो सीमन होता है वो जाके कंसेप्शन ना हो, इसके लिए अपन एक बर्थ कंट्रोल डिवाइस होता है वो लगाते हैं, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं उनको लगाया जाता है, जैसे सच है कौन सा, डायफ्राम हो गया, जो कहाँ लगता है, वेजाइना के अंदर डायफ्राम लगता है, नोवा रिंग, एक जो इसको वेजाइनल रिंग होती है, एक गोल, ठीक है, प्लस फीमेल कॉन्डोम, ठीक है। ये फीमेल कॉन्डोम, नोवा रिंग एंड डायफ्राम, ये क्या होता है? बर्थ कंट्रोल डिवाइस, डिवाइस तो नहीं बोल सकते, बर्थ कंट्रोल होते हैं, जो क्या करते हैं, बर्थ को कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, ये सीमन को आगे नहीं पहुंचने देते हैं, तो इनको क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, यहाँ पे इनको मतलब अपने पास में पकड़ के रखता है, ठीक है, पकड़ के रखता है, कौन? वेजाइना। मतलब जब ये डायफ्राम, नोवा रिंग और फीमेल कॉन्डोम में ये क्या होता है, वेजाइना के अंदर अच्छे से फिट हो जाते हैं, और वहाँ पे इनको ये ठहरने के लिए अच्छी जगह रहती है, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे मैंने बता दिए, पर्पस, ठीक है। अब जो पर्पस है, ठीक है, इसके अलावा आप जो सोच रहे हैं वो भी पर्पस ही है, ठीक है। इसके अलावा अपन अगली क्लास में
पढ़ेंगे कि जो वेजाइना, वेजाइना के बाद अपन जो वेजाइना कंप्लीट हो चुका है उसके बाद वेजाइना के बाद सेकंड नंबर आएगा यूट्रस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। अब यूट्रस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो बेबी रहता है वो वहीं पे, जो बेबी रहता है वो उसी के अंदर रहता है, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। ठीक है, सभी को थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें अपने यूट्यूब चैनल को।